हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान। आ गया हूँ फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। मैं आज आपको बताऊंगा कुवैत की तीन बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि जो 18 साल से कम जो भी लोग हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड हैं वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो अब इस पे DGCA ने भी फैसला दे दिया है, जो लेटर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो अब जो भी 18 साल से कम है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, अब DGCA ने भी अलाउ कर दिया है। वैसे मैंने आपको ये न्यूज़ कल ही बता दिया था, बट ऑफिशियल न्यूज आ चुका है। ओके, चलो बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। दूसरी खबर यह है कि जो MP इसाम अल सला, जो एक कुवैत के कैबिनेट मेंबर है, उन्होंने एक लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर जो कुवैत के हैं उनको। लेटर के अंदर लिखा है उन्होंने कि कुवैत के अंदर जो भी आने जाने वाला फ्लाइट है उसका जो प्राइस है वो इतना हाई क्यों है, उसका क्या रीजन है। दूसरा, उसमें लेटर में ये भी मेंशन है कि जो भी आ रहे हैं कुवैत में एक्सपर्ट्स, जो बाहर से काम करने के लिए कुवैत में आते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ कुवैत के अंदर जो ईद और बकरीद के बाद जो वेकेशन पे लोग जा रहे थे बाहर में, वो भी अब नहीं जा पा रहे हैं। ओवरऑल MP ने जो भेजा है लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को, उसमें यही उनके कहने का मतलब था, जो फ्लाइट का रेट है वो कम किया जाए और वो नॉर्मल रेट में रखा जाए। लेकिन अभी तक उस लेटर का कोई आंसर आया नहीं है। कल उन्होंने लेटर भेजा था फाइनेंस मिनिस्टर को। इंशाल्लाह दुआ करते हैं अगर लेटर का आंसर आ जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लाइट का जो रेट है वो कम हो जाए। ज़्यादा तो कम होगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा भी अगर कम होता है तो लोगों को राहत इससे ज़रूर मिलेगी। तीसरी और आखिरी खबर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फुल्ली कुवैत एयरपोर्ट को खोलने का बात हो रहा था, जो पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जो था उस टाइप से, तो अभी भी वो चीज़ अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जबकि आज भी कुवैत कैबिनेट के मीटिंग के अंदर इस पे बात हुई, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन निकल के नहीं आया है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसी वीक के अंदर में कुछ ना कुछ डिसीजन जो है एयरपोर्ट के लिए TGC और कुवैत कैबिनेट की तरफ से आएगा, वो 100% श्योर है। ओके, बात करें चौथी खबर के बारे में, तो चौथी खबर में ये है कि कल के डेट में बस 5858 केस आया है कोरोना का। और मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में जो आने और जाने वाली फ्लाइट थी कुवैत एयरपोर्ट के अंदर वो टोटल 206 था। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बाहर देश से कुवैत में आ रहे हैं उनकी जो जनसंख्या है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो भी नया वीज़ा वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जल्दी अपडेट आने वाला है कि वो कैसे और कब से वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। नया वीज़ा के लिए जो भी रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरीके की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। ध्यान रखिए, खुश रहें। थैंक यू।